हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज गेट 2023 का जो सब्जेक्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का जो एग्जाम हुआ था, तो ये वीडियो उसी के लिए है कि स्टूडेंट रिव्यू, कि जितने भी बच्चों ने इस सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम दिया था उनके स्टूडेंट रिव्यू के लिए है कि वो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना एग्जाम का रिव्यू जरूर दें, जिससे हम आपको एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ के बारे में बता पाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने एग्जाम का रिव्यू कैसे देना है। तो आप अपने एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल डिफाइन कर सकते हैं कि आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा आया था, टफ आया था, मॉडरेट था या इजी था। तो जैसा भी आपके एग्जाम का लेवल था, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को डिफाइन कर सकते हैं कि आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, जिससे आपको हम जल्दी से जल्दी एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ के बारे में बता पाएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इस सब्जेक्ट की अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी जा सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते होंगे कि उनके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वो भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, जिससे हम आपको एक हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उनके ओपिनियन को मिलाकर हम जल्दी से एक अच्छी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ आपको बता पाएंगे। और जितने भी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिलकर इस सब्जेक्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सब्जेक्ट में जितने एग्जाम दिया है, वो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाकर अपने एग्जाम का रिव्यू दे सकते हैं, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ बता पाए। और हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको गेट की हर जितनी भी नोटिस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।